नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को क्रिएट किया है और इस मॉडल का साइज है 23x33। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। अगर आप भी ऐसे मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा डिटेल के लिए, पूरा इसका 2D प्लान 3D प्लान बताने के लिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिस प्लान की मैं बात कर रहा था, ये पूरा प्लान होने वाला है और इसका साइज है 23x33, मतलब कि 23 फीट इसकी चौड़ाई है और गहराई की बात करें तो 33 फीट है। और इसके बाद चारों तरफ इन्होंने लगभग 1 से 1.5 फीट का सज्जा बताया था, तो वो भी इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने निकाला है। तो इसी प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी खूबसूरत और बेहतरीन प्लान होने वाला है। आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी दोस्तों इस टाइप का एक मॉडल बना चुका हूं, बट इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ऐसा ही मॉडल चाहिए, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए देखिए इस मकान को मैंने डिजाइन किया है। चारों तरफ ग्रिल और बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको रियलिस्टिक व्यू इसका समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों एक पोर्च का डिजाइन मैंने यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं, और ये जिसमें कि वी और यू शेप को कंबाइंड करके एक डिजाइन दिया और साइड से क्लोज कर दिया है मैंने। तो इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों आते ही आप देख सकते हैं ऐसा आपको फ्रंट से दिखने वाला है, और ये एक विंडो बड़ा सा विद फ्रेम मैंने दिया है। यहाँ से आपको पोर्च में चढ़ने के लिए स्टेयर्स और स्लोप, दो पिलर जिस पे पोर्च बना हुआ है, ये दोस्तों पूरा स्पेस देखने को मिल रहा है। टॉप व्यू अगर आप देखें तो देख सकते हैं ऐसा दिखेगा मकान आपका, और ये गेस्ट रूम है दोस्तों। तो दोस्तों एक गेस्ट रूम सबसे पहले देखने को मिलता है, जिसमें बारंदे से भी डोर दिया है मैंने अंदर जाने के लिए, और फ्रंट से विंडो और साइड से भी विंडो। हालांकि ये विंडो ऑप्शनल, अगर आप देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो हटा सकते हैं। इसके बाद इस गेस्ट रूम को आप आंगन से भी एक्सेस कर पाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा। इधर भी डोर दिया है और फ्रंट में मेन डोर आपका ये, जहां से एंट्री करेंगे, जैसे हम एंट्री करते हैं तो आपका आंगन देखने को मिलता है, और इस आंगन में पीछे दो आपको बेडरूम और इधर आपको किचन, और इधर से आपकी स्टेयर्स चढ़ेंगी, और इसके बाद इसके नीचे लेट बाथ। आप स्टेयर्स को इधर से भी चढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ से स्टेयर्स जा सकती हैं, आपको जो भी उचित लगे वो आप चढ़ा सकते हैं। तो पीछे तो बेडरूम, ये किचन, ये स्टेयर्स, लेट बाथ, और आगे गेस्ट रूम, और आगे बारंदे के साथ 23x33 में एक ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी होता है। अगर दोस्तों आपके आसपास विंडो आप देना चाहते हैं, अगर आपकी जगह है तो आप विंडो दे सकते हैं। पीछे दो बेडरूम है, पीछे भी विंडो दे सकते हैं, साइड में भी विंडो दे सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अगर वहां पर विंडो दिया जा सकता है अगर आपके आसपास जगह है तो, नहीं तो आप बीच में जाल रखवाइएगा जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। तो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा दोस्तों 23x33 में बनकर रेडी हुआ। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर आप ऊपर आते हैं तो सिमिलर प्लान है, बस दोनों बेडरूम वही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब स्टेयर्स के नीचे लेट बाथ नहीं बनाया जा सकता है। इस वजह से लेट बाथ को मैंने, जो किचन वाला एरिया था, इसको हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो इधर आपकी किचन रहेगी, इधर लेट बाथ रहेगी। ये आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि और भी कहीं जगह नहीं है लेट बाथ बनाने के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें, दोनों बेडरूम पिछले सेम रहेंगे, किचन एरिया को डिवाइड करके एक में आप लेट बाथ बना सकते हैं और एक में किचन। इसके बाद जो गेस्ट रूम था सिमिलर, बिल्कुल ऐसा बेडरूम ऊपर रहेगा, और ऊपर का लुक बिल्कुल सिमिलर जैसे ग्राउंड फ्लोर पर था वैसा फर्स्ट फ्लोर पर। बस चेंजमेंट आपका ग्रिल में हुआ है, देख सकते हैं ग्रिल, इधर भी ग्रिल और साइड में भी ग्रिल और बैकवर्ड में और इधर दोनों साइड ग्रिल। अब इस ग्रिल को जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने आगे लगभग 2.5 फीट का निकाला, इधर 1.5 फीट का, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो सिमिलर 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और बेहतरीन से ग्रिल, और ये स्टेयर्स को ढकने के लिए जो पूरा स्पेस था वो उसको मैंने कवर्ड किया है, और ये डोर यहाँ पर लगाया है, और ये आपकी छत बनकर रेडी होती है गुमटी टाइप की, जिससे आपके घर में पानी या कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये पूरा क्लोज्ड घर बन जाता है 23x33 में, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बता दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप ऐसे मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं प्लान्स को डाउनलोड करने के लिए, और सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें
इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, केवल आप उसी पर कॉन्टैक्ट करें, आपसे बात नहीं होगी, केवल चैट ही होगा, बाद में आपसे बात भी करता हूँ और सारे डिटेल के साथ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।